एमएलए। अच्छा हाँ अभी इंटरव्यू लेते हैं ना इनका डायरेक्टर का चुनाव आप लोग भाई आ जाओ भाग के आ जाओ थोड़ा भाग के आ जाओ कल भी ज्यादा थी भाई साहब कल बहुत भयंकर थी 48 डिग्री परेशान हो रहे थे भाग्या यार फटाफट लेट पहले ही मैच हो रहा है हां आ जाओ अरे कोई बात नहीं और ये बात नहीं 10 15 मिनट और धूप लग जाए इसको हां क्यों टेंशन नहीं थोड़ा सा इंटरव्यू करा ले फिर हो जाएगा फिर तो निकल यादगिरी पल है ये पता नहीं अगले साल कौन रहे कौन नहीं रहे सब रहेंगे सब की ऐसे क्यों बोल रहे हो इंसान का इस वक्त कोई भरोसा नहीं है ऐसे तो गर्मी बहुत पड़ रही है गर्मी बहुत पड़ रही है गर्मी किस किस को ले जाए ले गए हमारे ताऊजी को उस दिन क्या सुन लो बस ले गए उस दिन यहाँ से मैच खत्म हुआ तो कह रहा हूँ चल दिए ये याद मैंने तो मैच भी नहीं किया सलाम आ जाओ यहाँ पर दोनों ही टीमों के प्लेयर आ चुके हैं दोनों ही टीमों के प्लेयर बहुत ही मैच खेलने के लिए तड़प रहे हैं कि हम कब मैच स्टार्ट हो और कब हमारा दमखम यहाँ पे लगाएं और दोनों ही टीमें बहुत अच्छी हैं दोनों ही टीमों में अच्छे ऑलराउंडर्स हैं अच्छे ओपनर्स हैं और अच्छे बल्लेबाज हैं मैं सबसे पहले यहाँ से बुलाना चाहूंगा टीम रॉयल रामपुरा की टीम की तरफ से हमारे सर हैं राकेश जी आए राकेश जी पहले ये पूछना चाहूंगा कि इस टूर्नामेंट में आपने हिस्सा लेकर कितना मजा लिया मजा तो खान साहब इसमें हमें बहुत आ रहा है लेकिन थोड़ा ये मौसम का वो कंडीशन ये है पिछला टूर्नामेंट इससे और भी अच्छा हुआ था वैसे सुविधाएं देखी जाएं फैसिलिटीज के हिसाब से अब की बार बहुत फैसिलिटीज बढ़ाई गई है और लाइव के माध्यम से इस टूर्नामेंट का नाम अभी दिल्ली गया था रास्ते में ट्रेन में अच्छा जा रहा था कि सांटा वाला टूर्नामेंट हमारी साइड करके यहाँ पे पिछले हर साल के अंदर और अब की बार पिछले साल से और भी बेहतरीन किस देखने इसके अलावा क्या कहना चाहते हैं एसपीएल कमेटी के लिए कि जिन्होंने इतना शानदार आयोजन किया है आपके खाने का भी इंतजाम है इसके अलावा हर चीज की ध्यान रखा गया है देखो हमारे पास तो एसपीएल कमेटी के लिए कहने के लिए शब्द ही नहीं है इतनी जबरदस्त मेहनत इतना अच्छा मैनेजमेंट और दिन रात पिछले 1.5 महीने से 2 महीने से लगे हुए हैं तो सब कुछ देख रहे हैं बहुत बहुत शुक्रिया कोई बात नहीं मेरे साथ भूर सिंह मीणा जी हैं जो इस टीम के गुरुजी भी माने जाते हैं और इस टीम के कोच भी माने जाते हैं इस टीम के बहुत अहम हिस्सा है क्या कहना चाहते हैं सर पहले से बताएं विकेट क्योंकि क्रिकेटर को सिर्फ 3 चीज चाहिए क्रिकेटर को हमेशा मैंने यही सुना है बड़े बड़े सितारों से सुना है कि उनको 3 चीज चाहिए अगर क्रिकेट खेलने जाते हैं सबसे पहले चाहिए विकेट बढ़िया चाहिए दूसरे नंबर पर पास बढ़िया चाहिए और तीसरे नंबर पर ग्राउंड बढ़िया चाहिए तो क्या बताएंगे हमारे सुनने वालों को कि तीनों चीजें एसपीएल कमेटी ने यहाँ पे बढ़िया कर रखी है यादव सर टूर्नामेंट मैंने पहले कभी नहीं खेला है और किसकी बात बताऊं तो पिच बड़ी अच्छी है और सपाट पिच है जिसमें खेलना बहुत ही आसान होता है और ग्राउंड बहुत ही शानदार है एम्पायरों का सहयोग भी मिलता है इसमें तो मैं तो यही कहना चाहूंगा कि ऐसा टूर्नामेंट भविष्य में होते रहने चाहिए ग्रामीण इलाकों में जिससे जो ग्रामीण बच्चे हैं वो भी यहाँ से निकल सके एसपीएल कमेटी ने इसीलिए ये टूर्नामेंट रखा है कि यहाँ पे जो उभरते सितारे हैं जो यंग बच्चे हैं वो अच्छा करके परफॉर्म करें और लोगों की नजरों में आए तो हो सकता है कि कहीं ऐसे भी बंदे यहाँ पर बैठे हुए हैं जो उनकी निगाहों पे जमे हुए हैं कि हमारे इस टूर्नामेंट में से यंग लड़के जितने भी उनको राजस्थान खिलाने की भी बातें हो रही हैं कहीं बच्चों को मैंने भी कहा है कि आप मेरा नंबर लेकर जाओ मुझसे फोन करना मेरे टूर्नामेंट में आना जयपुर में खेलना हो सकता है आपका वहां पे हम चांस करें तो क्या कहना चाहते हो ओवरऑल एसपीएल ने बहुत अच्छा आयोजन किया जी सर बहुत मैं कहना चाहूंगा इस बारे में कि सन 2007 में जब गुरुग्रेथ चक्र जयपुर आया था उस समय ट्रायल देने आया था जयपुर में तो उस समय मैं सेकेंड क्लास में पढ़ता था तो वहाँ पढ़ा मेरे को ये लगा कि क्रिकेट में कोई कुछ नहीं हो सकता क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा वो था करप्शन बहुत ज़्यादा था तो उसके बाद मैंने छोड़ दिया था खेलना उसके बाद गाँवों में खेलता रहा हूँ मैं ये भगवती से कामना करूंगा मैं भगवती से कि जो ग्रामीण बच्चे हैं यंग बॉयज वो आगे जाएं आगे की तरफ पढ़े राजस्थान का नाम रोशन करें अपने गांव का अपना परिवार का नाम रोशन करें तो मैं ये
बहुत बहुत शुक्रिया सर, इसके अलावा मैं यहाँ से बुलाना चाहूंगा हमारे लाल टोपी वाले भैया को, अरे उनको भेजो, राजा को भेजो, तमाम सुनने वालों को मैं बता दूं एक बार इनके लिए जोर से तालियां हो जाए, अभी अभी इनकी नई शादी है, बहुत शादी हुई है, बहुत बहुत लाइव के माध्यम से और तमाम देखने वालों के माध्यम से मेरी ओर से और हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, मालिक आपका सांसारिक जीवन हमेशा बहुत खुश बनाए रखे और आपका भी भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहना चाहते हैं सबसे पहले जो बताएं, पहले शादी की अगर बात करें, जिस तरह से आपकी शादी थी उस समय भी आप एक मैच खेलने आए, हाथों में मेहंदी सब कुछ रचा हुआ था, घर पे बहुत बड़ा ले जाता और उसी दिन आपकी बारात जाने वाली थी, तो पहले तो क्रिकेट अगले दिन जाने वाली थी, तो पहले तो बताएं कितना क्रिकेट से लव है या अपनी जो शादी है उससे क्या क्योंकि मैं मेरी कहानी बता दूं, मैं मेरी जब शादी हुई थी मैं आप तमाम सुनने वालों को बता दूं कि मैंने पहला प्यार मेरे क्रिकेट से किया है ना कि मेरी बीवी से, मैंने क्रिकेट के लिए अपनी बीवी को 2 साल छोड़ दिया था, तो हो सकता है हंसराज जी के जीवन में भी अगर ऐसा कोई मूड आएगा तो वो शायद पहले क्रिकेट खेलेंगे अपनी बीवी को, शादी से पहले ही आप तुड़वाने की सोच रहे ये सब सबकी सोच है, क्योंकि मुझे गुजरात से मैंने डिस्ट्रिक्ट और मेरा चयन भी हो चुका था टीम में, इसलिए मैंने शादी को मान नहीं दिया, मैंने क्रिकेट को मान दिया। अब बात करते हैं क्रिकेट, आप इस टीम का एक हिस्सा माने जाते हो, एक अच्छे प्लेयर माने जाते हो, आपको एक अच्छा नाम दिया गया है कि हमारा राहुल द्रविड़ है, ये हमारा मारवन अट्टापट्टू है जो स्टडी खेलता है, अच्छी बैटिंग करता है, रन्स बनाता है और कलाइयों के सहारे भी रन बॉल को निकालता है, तो आज का जो मैच होना है क्या कहना चाहते हैं, क्या उम्मीद करें, क्या आपका कप्तान उम्मीद करे कि आज हंसराज के बल्ले से एक अच्छी पारी देखने को मिलेगी? कप्तान को काफी उम्मीद रहेगी मेरे से कि मैं रन बनाऊं इस मैच में और काफी अच्छा मैच देखने को मिलेगा, दोनों टीम काफी अच्छी है, बैलेंस मैच देखने को मिलेगा, जो अच्छा खेलेगा, मैच है हार जीत होती है वही जीतेगा। इसके अलावा क्या कहना चाहते हैं ओवरऑल पूरे टूर्नामेंट? काफी बेहतरीन, बहुत ही बेहतरीन टूर्नामेंट हो रहा है, ऐसा टूर्नामेंट शायद लाइफ में नहीं देखा मैंने। क्या आपका ये लाइव मैच आपके घर वाले भी देख रहे हैं? हाँ, हो सके भाई देख रहा हूँ, मेरा घर वाले भी नहीं आते। बहुत बहुत धन्यवाद, इधर से एक बच्चे को बुला लेते, उसके बाद टॉस की प्रक्रिया बोलने में क्या है यार, आप भी ऐसे बोल रहे यार, जो भी पूछे आंसर देना है। आज करो या मरो वाला मैच जो भी हारेगा आपके बारे में बता नहीं सकते आप। ऐसे हालात में सूरत हाल ये है कि विकेट की कंडीशन को देखते हुए थोड़ा सा विकेट पे नमी है, तो टॉस बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा, तो कहीं टीमें टॉस के लिए भगवान से मनोकामनाएं करके आती है, कहीं माता है उसको भी प्रार्थना करके आती है कि माता जी आज हमें टॉस जिताना, आज हमें मैच जिताना, तो आप ऐसा कुछ करके आए? जी किया तो है, वैसे टॉस जीतने के काम में लेके आए हुए हैं कि हम ये चाहेंगे कि हमारी शुरुआत अच्छी रहे, टॉस जीतने के लिए हम हमारी टीम को देना चाहेंगे कि हम टॉस जीते तो शायद हो सके तो आगे हमारा लग काम कर जाए, हमारा मैच भी जीत ले इसके साथ साथ, तो मतलब नहीं है, सब कुछ नहीं है सर, हम तो खेल को खेलने भावना से खेलते हैं। इसके अलावा क्या कहना चाहते हैं, टीम में सारे लड़के फिट हैं? जी हमारी टीम एकदम बिल्कुल रेडी है खेलने के लिए। लेकिन आपकी टीम में कहा जाता है कि आकाश का बल्ला अगर नहीं चलता तो सर पूरी टीम थोड़ी सी लड़खड़ा जाती है, तो क्या थोड़ा बहुत ऐसा है कि हमारे कुछ ज्यादा ही उम्मीदें हमारी कैप्टन से हमें, तो क्या आकाश के लिए कोई टूटता करके आए करके? तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन करते हैं नहीं करते तो है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, तो बस यही दुआ रखते हैं कि हमारे कैप्टन हमारे साथ चलते रहे, बस हम इसी भी खुश है। कई लोग ऐसा टूटका करके आते, आज हमारा बल्लेबाज इतने रन बनाएगा तो मैं ये गरीब को खाना खिलाऊंगा, मैं इस माता जी को नारियल चढ़ाऊंगा, आपने ऐसा कुछ किया? जी जी कुछ ऐसा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद। अब ये एक ग्रामीण टूर्नामेंट है जिसमें कई लड़कों को ये इच्छा होती है कि मैं 2 शब्द कहूँ, इसीलिए हम लोग इन लड़कों का इंटरव्यू ले रहे हैं और हम वापस अब स्टूडियो चलते हैं, 10 मिनट के बाद जैसे टॉस होगा आपके लिए वापस उपस्थित होंगे। थैंक यू, धन्यवाद। अब भैया सारे बाहर चले जाओ, सिर्फ दो कप्तान रहेंगे, सिर्फ दो कैप्टन आ जाओ, बाकी सब चलो जूते थोड़ा सा और चला दो, तो वैसे भी बेनिफिट तो रहता ही है। चलो चलो टॉस।
बात करने का चलो ले आओ आप तो सारे बाहर चले जाओ भैया कैप्टन आ जाओ फिर भैया आ जाए आज बॉस के बॉस कौन है भाई कोई है क्या आया क्या कोई कुसुम भाई कोई नहीं है।